बंदा हाजिर है और आज इस वीडियो में बात होने वाली है बंगाली फिल्म मानुष का एक गाना आया है जो कि हिंदी में है, उड़ जाऊं तेरे संग। ये गाना कैसा है और मैं इस गाने के लिए और मानुष मूवी के लिए क्यों एक्साइटेड हूँ, इस बारे में बात करूंगा। और पहले एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि मैं कोई भी फैन केटर करने वाला काम नहीं करूंगा इधर पे, और ना ही चांटने वाला काम करूंगा। जो है सो वो है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगी। सो अगर आप चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबाओ और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले बात कर लेता हूँ कि भाई ये गाना देखने के बाद अगर कोई एक्साइटमेंट आया है तो उसके पीछे का रीजन ये है कि ये पूरे गाने को लिटरली हिंदी में भी शूट किया गया है। हिंदी में इसका लिटरली एक गाना गाया गया है और उसके बाद से इसको फिल्माया गया है, जिसके वजह से ये बहुत बड़ा एक सेटिस्फैक्शन देता है कि हाँ ये पैन इंडिया मूवी अब कहने लायक है। और अब जो है डेडिकेशन को थोड़ा ऊपर रखा है भाई साहब ने, और जीत ने शायद सोच लिया है कि अब जो है मुझे कुछ अलग तरीके से अपनी मूवी को पैन इंडिया लेवल पे ले जाना चाहिए। तो गाने के बारे में बात होगी। एक और चीज कहना चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे थोड़ा सा मुझे पठान वाली फीलिंग आ रही है। यूं समझ लो ये बंगाली के पठान है, बंगाली इंडस्ट्री के शाहरुख खान बनने वाले हैं या फिर बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि शाहरुख खान वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने अपनी फिल्म का एक टीजर लाया, फिर सीधा एक गाना लाया और गानों के बाद में एकदम एंड टाइम पे अपना ट्रेलर लेकर के आए, और उस वक्त तक लोगों का सब्र का बांध टूट सा गया था। यहाँ पे शायद जीत भी वही करने जा रहे हैं, एक हल्का सा टीजर दिया। दैट टीजर वॉज ऑसम भाई, जबरदस्त। मिर्जा के सामने में वो था, एक ही दिन पे आया हुआ था, और मैंने जब दोनों देखा तो मुझे मानुष का टीजर एकदम जबरदस्त और कड़क लगा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन वैल्यू वैसा था और जिस क्वालिटी का भाई, जिस क्वालिटी का यूट्यूब में अपलोड किया HDR में, वो देख करके और ज्यादा मजा आया, जिसकी वजह से ब्राइटनेस, उसका जो मोशन ब्लर होता है वो ज्यादा नहीं बल्कि एकदम जस्ट लाइक अ मिरर जो होता है HDR में, तो बिल्कुल वैसी वाली फीलिंग आई कि भाई कुछ तगड़ा हुआ है। और उसके बाद से इनको ट्रेलर अनाउंस करना चाहिए था, ट्रेलर अनाउंस नहीं किया, गाना लाया और गाना बैक टू बैक हिंदी एंड बंगाली दोनों में लाए। दूसरी बात की भाई इसका बंगाली वर्जन अलग है, हिंदी वर्जन अलग है। तो इस बार जब जीत भाई साहब जाएंगे मुंबई में अपने फिल्म की प्रमोशन करने के लिए मानुष फिल्म की, तो भाई उस वक्त में भाई लोग और अच्छे से जानेंगे। सबको याद है ऑलरेडी कि चंगेज मूवी लेकर के आए थे और चंगेज ने बहुत अच्छा नहीं बोल सकते लेकिन एक अच्छा बिजनेस किया था, भाई जान के सामने में खड़े थे और उसके बावजूद उन्होंने फाड़ डाला था अपने लेवल पे बंगाली इंडस्ट्री के हिसाब से। हाँ हिंदी ऑडियंस लोगों के लिए ये हो सकता है कि ठीक ही था, मतलब आया गया, पता नहीं चला ढंग से, नहीं पता चला, धीरे धीरे भाई धीरे धीरे फैलते हैं, तो यहाँ पे वही वाली चीज है। अब अगर बात की जाए गाने की, सो मैं सच बता रहा हूँ, सात पाके बांधा जो उसमें एक गाना था, थाक बे चिरोदिने भालोबाशा अमर, वो गाना बोल लो या फिर 100% लव का गाना बोल लो, मुझे जीत फर्स्ट ऑफ ऑल फेस कड़क लगता है, और जिस तरह की ड्रेसिंग सेंस दिखाए जाते हैं बंगाली इंडस्ट्री की, मैं बात करूंगा खास करके कि बंगाली इंडस्ट्री में जब भी ड्रेसिंग दिखाया जाता है गाने के वक्त में, भाई ऐसा लगता है कि पूरी फिल्म को जो है अलग नजर से देखा जाता है और गाने को अलग नजर से, क्योंकि गाना एक अच्छे लोकेशन पे होता है। और जहां तक की बात जीत की होती है, जीत भाई अपने फेस को लेकर के आपको पता ही है, वो समझ लो यहाँ के ऋतिक रोशन है, मतलब द मोस्ट हैंडसम पर्सन कह सकता हूँ मैं ऐसा। और उसके ऊपर में जो भाई कपड़े, जिस तरह से उन्होंने अपने फिजिक्स को मेंटेन किया है, तो गाने के अंदर में जिस तरह के भाई उनके कपड़े देखे जा रहे हैं, भाई हर एक शर्ट, चाहे वो प्रिंटेड वाला हो चाहे वो नॉर्मल वाला हो, सब कुछ एकदम कड़क लग रहा था। और साथ ही साथ जो सुष्मिता है यहाँ पे, सुष्मिता तो भाई वो भी अच्छी लग रही है, और मुझे थोड़ा सा उतना ठीक ठाक नहीं लगा कि वो जिस तरह से रिएक्ट कर रही है गाने के बीच में, क्योंकि ये एक पैन इंडिया लेवल पे जाने वाला है तो थोड़ा अच्छा करना चाहिए था, तो मुझे वहां पे थोड़ा डर लगा। एंड जीत की क्या ही बात करें, जीत अपने हिसाब से सही है, लिप सिंक एकदम प्रॉपरली हो रहा है क्योंकि वो भाई हिंदी गाना था, और गाने का जो लाइन है दैट इज गुड, थोड़ा और एक्सपेक्टेशन हाई था। ऐसा नहीं है जैसे कि काजोल हुए जब वो एक गाना था, उसके बाद से बड़ो आका आका ला गया अमर, ये सब गाने ऐसे है ना कि कंटिन्यूसली आप सुनोगे ना तब भी आपको बोर नहीं फील करेगा, हर बार आपको एक रिफ्रेशिंग देगा वो चीज कि हाँ आप रिफ्रेश हो रहे हो और मजा आ रहा है, बार बार में मजा आ रहा है। मुझे लगता है मुझे और ज्यादा सुनने की जरूरत है इस गाने को, तू माझा मैं पतंग, थोड़ा सा फिट नहीं बैठ रहा था मीटर में मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगा। आई एम नॉट अ सिंगर, मैं कोई नहीं हूँ, लेकिन ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन भाई जो था वो एक अच्छा स्टेप था एंड वी शुड अप्रिशिएट अगेन, और भाई साहब धीरे धीरे छा रहे। मानुष का लेकर के मैंने जब बागा जतिन मूवी देखने के लिए गया था नवीना सिनेमा में, उस वक्त में मुझे एक पर्सन मिला था जो भाई बहुत ही ब्रूटली जीत को मतलब सपोर्ट कर रहा था, और बहुत ही ब्रूटली वो देव को
मतलब एक तरह से डिफेम कर रहा था या फिर क्या बोलूं, उसकी सारी चीजों को नेगेटिव बता रहा था कि जीत की जो पहुंच है वो देव की नहीं है, जीत को जो चंगेज का स्क्रीनिंग मिला था वो देव को नहीं मिला है, बहुत अलग तरह से कर रहा था। मैं लगा दूंगा इस वीडियो में या फिर मेरा जो ब्लॉग वीडियो, मुझे पता है अभी भी पेंडिंग चल रहा है, अभी भी मतलब ठीक है, मैं लेकर के आऊँगा, उसमें देखना आप वहाँ पे वो बंदा क्या कह रहा है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग दैट वाज राइट थिंग जो वो कह रहा था, मुझे भी सही लगा कि हाँ देव इतना बड़ा स्टार है, उसकी मूवी का स्क्रीनिंग इतना कम क्यों, और हिंदी में क्यों नहीं मिल रहा उतना ज़्यादा स्क्रीन, तो ठीक है। मानुष का ये वाला गाना अच्छा है, बंगाली गाने के लिए मैं अलग से वीडियो लेकर के आ जाऊँगा, अगर आप लोगों ने बताया कमेंट सेक्शन पे चाहिए तो, और अगर जीत के फैन हो और अगर सही लगता है कि मैं कोई बायस्ड होकर के या फिर फैंडम को नहीं उंगली करके कुछ कर रहा हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो और चाहो तो शेयर भी कर सकते हो। दैट्स इट, दैट वाज माय ऑनेस्ट रिएक्शन फॉर दिस सॉन्ग, व्हाट्स योर टेक, प्लीज डू कमेंट। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद, मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।